दिल्ली में यमुना किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी फिर बढ़ रही है। खातर इलाके में फिर से पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। वह किसानों को अपनी फसल की चिंता सता रही है। किसानों का कहना है कि पहले ही बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है, ऐसे में फिर से फसल पर खतरा गहरा रहा है। पहले फसल मर चुकी है, जो थोड़ी ही 10% फसल की उम्मीद थी बचने की, वो इस पानी में बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। पानी छोड़ रखा है 3 लाख, अभी खेतों में पानी घुसा हुआ है, दोबारा बंदे तक पानी लग जाएगा। बांध अगर जो मरम्मत सही से नहीं हुई ना अभी, तो बांध भी टूट सकता है। फसलें तो भाई साहब ये लगा लो बिल्कुल नष्ट हो चुका है, कुछ नहीं बचा। ठीक है, 10% जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो। रात से कम 3 फुट 4 फुट पानी चढ़ चुका है, और अभी शाम तक बोल रहे हैं कि 4 से 5 फुट पानी और आ जाएगा। खाना नहीं खाया जा रहा है, घर नहीं रुका जा रहा है, ना तो घर जा सकते हैं ना खेत में रह सकते हैं। कल जब मैं आया था पानी अपने उसमें था, सीमा में, आज पानी इतना बढ़ गया है कि वहाँ से सीमा से निकल के हमारा शमशान घाट है इसके पास में लगने को हो रहा है। पर मेरी यही दिल्ली वासियों से रिक्वेस्ट है कि जमुना के किनारे ना जाएं, कोई हादसा ना हो। पानी चल रहा है लगातार, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? पानी तो बढ़ा है जी काफी, कम से कम 15 फीट दूर था यहाँ से पानी, 15-20 फुट, आज 15-20 फुट पास में आ गया। अब कुछ दिन पहले बाढ़ भी आई थी इलाके में जी, तो उस टाइम पे भी लोग काफी नुकसान हुआ था। हाँ, डर लग रहा है आपके बारे में? डर तो नहीं लग रहा, पर नुकसान तो ये फसलों का हुआ है, कुछ आदमी डूब भी गए हैं, लापता भी हुए हैं। पहले बाढ़ इतनी आई है, नुकसान घना हो गया, 2 लाख 2 गाड़ी लकड़ी भी बह गई और हम भी बहन से बच गए। शमशान घाट में सारे में पानी पानी हो गया, और इवन हुआ थोड़ा थोड़ा अपना सब आधार करे भीतर लकड़ी लगाई। पानी कितना है, बढ़ रहा है कम है? नुका 4 लाख तो ऊपर है। अच्छा, छोड़ा जा रहा है। अब 2 दिन पहले पानी की स्थिति क्या थी और अब कैसी है? ये फालतू है। फालतू? हाँ, 3 फुट। तो अभी आप 3 तभी ऊपर है बेटा, 3 तभी ऊपर पानी आ लिया सुबह के करीब टाइम।